यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं यहाँ पे, देखने में यहाँ पे बहुत मजा आ रहे हैं। हम सब अपनी फैमिली के साथ आए हैं, प्योर भी घूमना है, बहुत मजा आया हमें। हमने एंजॉय भी किया, इधर स्लाइड भी किया। मैंने यहाँ पे ट्रेन देखी है और यहाँ पे मैंने ड्रैगन वाला झूला भी लिया है, हमें बहुत मजा आया। हम यहाँ पे इंजॉय करने आए हैं, बोट लेंगे और राइस लेके आए हैं। दो दिन ऐसे उतर गए हैं, कभी हमें खाला का ले लेते, कभी चाचू घर कहाँ पे हम कहते हैं आज फिर हम लेके आए, हमने झूले वगैरह लेने हैं। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, तीसरे रोज भी कराची से खैबर तक बच्चों का हल्ला गुल्ला, पार्क्स में रश, बच्चा पार्टी की खूब मौज मस्ती, इस्लामाबाद वालों के मोगला हिल्स पर डेरे, कुदरती हुस्न का भरपूर लुत्फ उठाया, सुहाने मौसम से मजा दोबाला हो गया, लाहौरियों के सफारी में डेरे, बच्चे जानवर देखकर खुशी से निहाल, मुल्तानी भी चिड़िया घर पहुंच गए, स्वात में लकड़ी और रस्से से बने रिवायती झूले बच्चों की तवज्जो का मरकज, वजीराबाद में शहरियों के दरिया किनारे सैर सपाटे, शहर कायद वाले सी व्यू पर खुशियां समेटने में मसरूफ, एधी विलेज में मेला सज गया बच्चों का रक्स। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं के सिस्टम की एंट्री, कलात और गिरदोनवा में मिट्टी का तूफान, दीवारें गिर गई, निजाम जिंदगी मफलूज, हद निगाह कम हो गई, दालबंदीन, चमन और पशीन समेत कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, महकमे मौसमियात की बादल मजीद बरसने की पेशगोई, कई मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान, सुराब में आसमानी बिजली गिरने से दो नौजवान जाबहा के एक जख्मी, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत मुतहरिक, PDMA और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया, मॉनिटरिंग रूम भी कायम कर दिया गया, वजीर आला का निकासी ऐप के तमाम कुदरती रास्तों से तजावुजात हटाने के लिए कार्रवाई का हुक्म, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश के इकदाम को हतमी शक्ल देने की हिदायत। आवाम के साथ जो वादे किए पूरा करेंगे, सूबे भर में खुशहाली का दौर वापस लाएंगे, नून लीग किसानों और आवाम को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कायद नून लीग नवाज शरीफ की शाहकोट से मुंतखब MPA राणा अरशद से गुफ्तगू, दोबारा गिनती पर अवामी मैंडेट मिलने पर मुबारकबाद, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मरी पहुंच गए, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और अहले खाना भी हमरा, शरीफ खानदान 2 से 3 दिन मलिका कोहसार में ही क्याम करेगा। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों के जरिए इक्तदार में आई, आसिफ अली जरदारी को सदर और शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते, PTI का ऐलान, उमर अयूब बोले 1-point agenda मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तहरीक का आगाज कल पशीन से होगा, 27 अप्रैल को कराची में जलसा होगा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी पार शो करेंगे। बच्चा नहीं जा रहा, उसको गोलियां मारती, मन कुछ नहीं कर रही है, उसने खुद ने छोड़े हुए ये सब लोग जो बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। एक ही बेटा था मेरा, वो भी इन लोगों ने मार दिया, उसके सर पे गोली मारी। कराची में लुटेरों का निशाना बनने वाला नौजवान सुपुर्द खाक, तो राब जैदी की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की, मकतूल 3 बच्चों का बाप और 3 बहनों का इकलौता भाई था, अहले खाना गम से निढाल, वाकई की CCTV वीडियो सामने आ गए, एक डाकू को धक्का मारते और दूसरे को गोली चलाते देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू जाबहा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, शौहर और ससुर नामजद, मकतूला के भाई के मुताबिक बहनोई अक्सर रकम का मुतालबा करता था, ना देने पर बहन को गला दबाकर मार डाला, शालीमार में मुबैना ज्यादती के बाद 9 साल का बच्चा कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया, बच्चा गुज़िश्ता रोज से लापता था, लाश मुलजिम के घर से मिली।
अवाम होशियार, हुकूमत IMF का एक और मुतालिबा पूरा करने को तैयार। बिजली पर क्रॉस सब्सिडी खत्म करने के प्लान पर काम शुरू। टैरिफ 8 रुपए फी यूनिट महंगा होगा। पहले मरहले में 592 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म की जाएगी। हतमी फैसला वजीर आजम और काबीना की मंजूरी के बाद होगा। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का मकामी गाड़ियों पर टैक्सीज में कमी का मुतालबा। वजीर सन्नत राना तनवीर को खत लिखा, मकामी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्सीज इंपोर्टेड गाड़ियों से ज्यादा हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों पर टैक्सीज और ड्यूटी कम होने से मकामी सन्नत तबाह हो रही है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की इम्पोर्ट 641% बढ़ गई। रवा माली साल 25,000 से ज्यादा इस्तेमाल शुदा गाड़ियां मंगवाई गई। मकामी कारसाज कंपनी सिर्फ 30% गुंजाइश पर प्लांट चलाने पर मजबूर है। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस मुस्तकिल हो गए। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस अमजद अली बोहियो, जस्टिस सना अकरम, जस्टिस जवाद अकबर, जस्टिस मोहम्मद अब्दुल रहमान और जस्टिस अरबाब अली हकरो शामिल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर 15 अप्रैल को हलफ उठाएंगे। नौशहरा के कुंड पार्क में किश्ती उलटने का वाकया, गुमशुदा बच्ची की तलाश जारी। जिला इंतजामिया ने पार्क को सील कर दिया। किश्ती रानी पर 7 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। 4 सदा में मजीद 2 अफराद डूब गए, तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज डूबने वाले 4 अफराद को ताहाल तलाश न किया जा सका। अलीपुर में सफाक शख्स के हाथों कत्ल होने वाले 7 बच्चे और बीवी सुपुर्द खाक। 8 जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में नकब जनी चोर सुनार की दुकान के ताले काटकर 50 लाख रुपए मालियत का सोना चोरी करके ले गए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। कई मशकूक अफराद जेर हिरासत। कई पनागाहें मिसमार और जला दी गई। कच्चे के दाखिली और खारिजी रास्तों पर पहरे सख्त। पंजाब के तलबा के लिए 20,000 बाइक्स की फराहमी के प्रोजेक्ट का आगाज। तलबा 29 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल और 1,000 ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। डाउन पेमेंट और मार्कअप भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। तलबा 11,676 और तालबात 7,325 रुपए महाना एक साथ जमा कराएंगे। पंजाब में गंदम की खरीदारी का अमल कल से शुरू होगा। काश्तकार ऐप के जरिए 17 अप्रैल तक बारदाना के हुसूल की दरखास्त दे सकेंगे। इजरा 19 अप्रैल से होगा, खरीदारी 22 अप्रैल से होगी। पंजाब भर में 393 गंदम खरीदारी मराकज कायम। 3,900 रुपए के हिसाब से खरीदी जाएगी। ईद पर भी इसराइल का जुल्म ना रुका। गजा सिटी में रिहायशी इमारत पर हमला, एक ही खानदान के 29 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 89 हो गई। इमदाद न पहुंचने पर शिमाली गजा में कहत, खुराक की शदीद किल्लत। मुश्किल हालात में भी फलस्तीनियों की मुस्कुराहट बरकरार। बच्चे खंडरात पर खेल कूद में मसरूफ। मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल ही आगे का रास्ता है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। तनाज़े के जल्द खात्मे और पायदार हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वॉशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, इसराइल फलस्तीन तनाज़े से दुनिया भर में नफरतें फैल रही हैं। फलस्तीनियों के साथ रास्ता तलाश करना अमरीकी मफाद में है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से कबल न्यूजीलैंड को बड़ा धचका। 2 अहम खिलाड़ी एलन और एडम टी सीरीज से बाहर हो गए। विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लेंडल और ऑलराउंडर जैक मुतबादल के तौर पर स्क्वाड में शामिल। कीवी टीम आज पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेगी। 14 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला T20 18 अप्रैल को पिंडी में शेड्यूल।